एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद तू ठाकुरो बैरागरो मैं जे ही घन चेरी रहूं तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वड़दाना कर मेहरमत साई कृपा की जय सामत दी जय आठ पैर तुझ त्याई गर्भ न की जय रेण हो विजय तांकत जियरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही घन चेरी राम बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलाहो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले जागदी जोत जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तखते माल जुगो जुग टल सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गुरता गद्दी नशीनी पुरब नूं मनाउण हित बड़ी श्रद्धा ते प्रेम नाल तुसी सारे गुरु दरबार विच जुड़ बैठे हो जिथे तुहानूं सारियां नूं लख लख वधाई है उत्थे गुरु पातशाह दी बख्शी हुई फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह संगत ते भरपूर है ये ठीक है कि बहुत लंबेरे समय तो जदों तो दीवान शुरू होया तुसी गुरु दरबार विच बैठे हो सकता है शरीरक तौर पर थकावट भी हो गई होवे पर जे तुहाडी थकावट का असर मेरे ते होया फिर वो गल नहीं बननी इसलिए एक बारी फिर कृपा करो गज के फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्टेज सैकटरी साहब ने कुछ लोड़ तो वधेरे एहो जे अखर कहे हैं जिन्होंने मैं संभालने दे लायक नहीं क्योंकि मेरे धन गुरु रामदास जी का मैनू बचन याद है जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे। ये सारी वडियाई मेरे सतगुरु दी है। आओ हुण मैं तुहाडे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आरंभता तो लैके गुरता गद्दी नशीनी तक एक बहुत वड्डा इतिहास है। जे उस इतिहास नूं ना वाचिया जाए तो साडी आउण वाली पीढ़ी आउण वाली पनीरी नूं पता नहीं लगेगा कि ये खजाना ये भंडार ये बाणी का बोहित सानूं किवें प्राप्त होया फिर इस बाणी तो सानू की सिख्या मिलती सुनना तुसी है सुनाउण दी सेवा मेरी है पर गुरु जिवें कृपा करे सब तो पहला सानू सारिया नू ये पता होना चाहिदा कि गुरु घर दे अंदर ना शरीर चेला है ना शरीर गुरु है ये बुनियादी गल है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकत है जदों गुरु नानक देव पातशाह
सृष्टि का भला करते हुए सुमेर पर्वत ते पहुंचे ते सिद्धा ने एक सवाल किया। ये सिद्ध गोष्ठ बाणी जे तुसी कदे पढ़ो विचारो फिर तुहानू वधेरे पता लग सकता। सिद्धा ने बहुत सवाल किए, बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल सन। अपने वालों उन्होंने अपने योग मत का प्रभाव पाने का यत्न किया। तो उन्होंने सवालों में एक सवाल सी, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। तो गुरु नानक पातशाह ने जो उत्तर दिता, आख्या पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। आख्या जदों मनुख दे जीवन का आरंभ हुंदा है, श्वास चालू हो जाते हैं, एहो जीवन की आरंभता है पवन आरंभ सतगुर मत वेला। तो यह वेला की करता है, एक गुरु की मत लैण का वेला, एक गुरु की सिक्ख्या लैण का वेला है। फिर आख्या गुरु कौन है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ना शरीर गुरु है ना शरीर चेला, क्योंकि शरीर कदे सदीवी रह नहीं सकता, किसी का भी नहीं रह सकता। किस किस की मिसाल दिती जाए, रह ना पावें सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा, जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, साध संग जिनी दर्शन पाया, बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दीसै सो कर लै खर, कूड़े मोर लपट लपटाना, छोड़ चलिया त फिर पछता, कृपा निधान नानक को करो धात, नाम तेरा जपी दिन रात। इथों गल शुरू हुई। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिथे गए, उन्होंने जो उपदेश किया वो बाणी द्वारा किया। और कमाल की गल है कि सतगुरु जानते सन बाणी जुगो जुग अटल रहेगी, बाणी जुगो जुग कायम रहेगी, शरीर मेरा रहे ना रहे, तुहाडा रहे ना रहे, पर बाणी सदा कायम रहेगी। इसलिए बाणी उन्होंने आप उचारिया भी ते नाल नाल लिखिया भी। ते फिर ये भी फरमाया, जैसी मैं आवें खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान मिला लो। ये बाणी कोई तुकबंदी नहीं है। हुणे हुणे भाई अमनदीप सिंह जी पासों तुसी तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई का पावन शब्द श्रवण किया। तो गल की गुरु नानक पातशाह ने यह बाणी उचारण भी की और अंकत भी की, लिख भी ली। फिर अपनी बाणी नहीं लिखी, उन्होंने समुचे संसार के अंदर जिथे जिथे भी कोई उस अकाल पुरख नूं मनण वाला सी, उन्हां दे अस्थानां ते जाके उन्हां दे जानशीनां कोलों उन्हां दी बाणी भी एकत्र कीती। सानूं पता होना चाहिए जिथे गुरु साहिबान की बाणी है उत्थे 15 भगत साहिबान की बाणी भी है, उत्थे 11 भट्ट साहिबान की बाणी भी है, उत्थे गुरु घर के निकटवर्तियां की बाणी भी है। पर यह सारी बाणी का खजाना किमें तैयार होया? ये बाणी की पोथी श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो अपने परम सेवक भाई लहणा जी, जिन्होंने गुरु का हुक्म मन के गुरु की सेवा बन करके और साढ़े लिए पूरने पाए। आख्या जे किसी ने गुरु का सिख बनना है तो उसनू इस कसवटी उत्ते पूरे उतरना पवेगा। वो कहड़ी कसवटी है? अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीबै बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो साहिब। ये गुरु अंगद देव पातशाह जी का वचन है। पाठ बड़े कीते, विद्यार्थी बड़े पढ़ाए, पर इस तरीके नाल कदे बाणी दी विचार नहीं सी कीती। जदों
श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का 300 साल प्रकाश पुरब खडूर साहब बड़ी वड्डी पद्धर ते मनाया गया ते दासरे की सेवा लगी। बई तुसी उस वड्डे दीवान विच गुरु अंगद देव जी की बाणी की विचार करनी है तो 63 श्लोक हैं। सचमुच उन्हां दी विचार करके समझ आई भई गुरु के सिख बनने वास्ते इस मार्ग ते चलिया ही गल बन गई। कई तुहाडे विचों कहिंदे होंगे अखां तो बिना किवें वेख्या जा सकदा, कन्नां तो बिना किवें सुनिया जा सकदा, पर जदों तुसी ये नुक्ता समझ जाओगे फिर तुहानूं चानण हो जाएगा। अखां देखण लई ने, देखना जरूर है पर वो देखना जो गुरु की आग्या। कन्न सुन वास्ते ने, सुनना जरूर है पर वो सुनना जो गुरु की आग्या। जीवा बोलन वास्ते है, बोलना जरूर है पर वो बोलना जो गुरु की आग्या। पैर चलन वास्ते ने, चलना जरूर है पर उधर चलना जिधर गुरु की आग्या। जे तो यह गल समझ में आ गई नानक हुक्म पछाण के तो साहिब ये बाणी का संग्रह श्री गुरु अमरदास जी पातशाह, ये बाणी का संग्रह श्री गुरु रामदास जी पातशाह, ये बाणी विच दिनों दिन एक खजाना भरपूर होंदा गया। पर जदों पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी का समा आया असल बाणी दे बराबर कई नकल बाणी लिखण वाले भी आए जिदा इतिहास में जिक्र होंदा है कि पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान तुकबंदी करता है तो इस बाणी के नाल अपने आप को मेलन का यत्न कर। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने अपनी उस महान जिम्मेवारी समझदिया कि ऐसा ना हो सच दे अंदर कच की मिलावट हो जाए और इन गुरु के सिखां सच दे कच का निर्णय करना मुश्किल हो जाए। हो जाता है जदों असी बाणी नू आप ना पढ़िए, आप ना विचारीए तो ऐसा हो जाना कोई अचंभा नहीं, हो जाता है। पर गुरु अर्जुन देव पातशाह ने कृपा की, उन्होंने सारी बाणी नू तरतीब दिती। इहदे लई उन्होंने लगभग 1.25 साल का समा रामसर नामी अस्थान ते कथनी ते करनी दे पूर्ण गुरसिख भाई साहब भाई गुरदास जी तो लखारी दी सेवा लई। ये कार्य कोई सौखा नहीं सी, ये बहुत औखा था। हाँ ये मैं क्या करदा कि जदों किसे नूं प्यो दादे दी कीती हुई कमाई मिल जाए उन्हूं इस गल का एहसास नहीं हुंदा कि प्यो दादे ने कितनी मेहनत की हो। सचमुच अज सिखां दी भी इहो हालत बन गई। गुरु साहिबान ने साडे लई ये बोहित ये बाणी का खजाना तैयार किया ते जदों ये कार्ज कर रहे सन उन्होंने बड़े वजद विच आके एक शब्द लिखिया। वो किहड़ा शब्द है? हम धनवंत भगत सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। देखो प्यो दादे दे खजाने वल ध्यान मारो। ये ठीक है कि हर पिता हर दादा अपने बच्चों लिए कुछ ना कुछ रास पूंजी इकट्ठी करके जाऊंगा, पर गुरु अर्जुन देव जी का इशारा किना मन है? गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु रामदास जी तक जो ये बाणी का खजाना पातशाह कहते मैं खोल के डिठा, मैं एक एक अखर नूं विचारिया ते बचिया। जदों मैं कदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की व्याख्या करन तो पहला विचारदा तो हैरान हो जाना, एक एक शब्द का जोड़, एक एक शब्द की लग मात्र, एक एक शब्द का विश्राम। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने कितनी मेहनत की ते फिर सानू ये भी सदा दिता, आख्या गुरमुखो
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਅਖੋਟੇ ਅਤੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਬੋਲੋ, ਖਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡੋਗੇ ਘਟੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੋ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੋ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੰਡੋਗੇ ਇਹ ਵਧੇਗਾ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਤੋਟ ਨਿਆ ਵੈ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਤੋਟ ਨਿਆ ਵੈ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਲਾਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਸ ਇਹ ਕਹੋ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੇ ਨੋ ਪਰਚੋ ਲਾਏ, ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਏ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਰਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਇਹ ਕਹੋ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੇ ਨੋ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਗੁਰਦਈ ਮਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਵਰੋ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਕਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਓ, ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ, ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਦਿਨ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਸ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਕੱਚ ਅਤੇ ਕੰਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ
सिर्फ पैसों की पाठ ना कर, गुरु के निमित्त होकर पाठ कर। गुरु ने ऐसी कला वरताई, मेरी बाईपास सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने बड़ा डराया भी, समझाया भी, तो मेरे हित भी कहा कि हुण तुसी किधरे बाहर नहीं जाना, हुण तुसी संगतां विच बहुता बोलना नहीं, आराम करना। तीन महीने चार महीने का समा सी, मैं उदास हूँ। मैं गुरु अगे अरदास की, हे सच्चे पातशाह, मेरा जीवन इसलिए सी नहीं, मेरा गुरु बड़ा समर्थ है। चढ़ती कला टाइम टीवी वाले सज्जन मेरी खबर लैन ली आ गए, बैठे हाल चाल पुछया, जल पानी छकिया, जो तुरन लगे। मैं क्या मेरे अंदर एक तमन्ना है, कहते दसो। मैं क्या मैं एक सहज पाठ करना चाहता, तो मेरी इच्छा है रिकॉर्ड कर लो। ये सारी गुरु की खेड है। उन्होंने मेरे घर में मेरे आराम करने वाली जगह पर ही स्टूडियो बना दिता। मैं पूरे 7 महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का सहज पाठ किया, और संगत तो कोई सुनने वाली नहीं सी, मेरी सिंघणी सुनने वाली जरूर सी, वो सुनते सन, मैं सुनाता था। कहन लगे थोड़ा जा होर सहज करो, मैं होर सहज किया, सचमुच तो सहज पाठ बन गया। वो सहज पाठ ने मेरे जीवन में जो सहज लिया, वह मैं शब्दों राही नहीं कह सकता, क्योंकि भगत कबीर जी ने कहा है, कबीर सतगुर सुर में बाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परिया परा करे जे छे। सतमुच जिहड़ा बाणी नाल जुड़ेगा, इस बाणी की पारस कला उसनू पता लगेगी, किसी के कहण नाल नहीं पता लग। कबीर जी कहते ने मेरे को बड़े लोग आते, कबीर जी कोई सानू थोड़ा जा स्वाद दसो। कबीर जी कहने की दसा, मेरे दसन नाल तुहानू स्वाद आ जाएगा? आख्या कदे भी नहीं आए। ये स्वाद उदों आएगा जदों तुसी आप बाणी पढ़ो। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। आओ गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नाल जुड़ो। ज्यों ज्यों बाणी नाल जुड़ोगे, अज जिन्हां प्रश्नों के अंदर, अज जिन्हां समस्यावां के अंदर तुसीं व्यक्तिगत तौर पर तथा पंथक तौर पर उलझे हुए हो, उन्हां सारियां दा जवाब गुरु ग्रंथ साहिब जी देणगे। पर कदों देणगे? जदों असीं गुरु महाराज के कथन मुताबक चलांगे। गुरु साहब की कहने, सतगुर नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त न होवे जिचर शब्द न करे विचार। कई लोग कह देंदे ने, मैनू बहुत लोगों के फोन आते, मैं आप सुनदा हाँ, तो बड़ी खुशी भी महसूस करता कि कई टुटे हुए जुड़ जाते हैं, कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक सज्जन ने कहा कि नाले जो तुम रोज कहें तो डिठे सच्चे पातशाह, मन जन्म जन्म की कटी, नाले तुम कहें डिठे मुक्त ना हो गई, ये की गल है? मैं क्या वीरा, जिनी मेहनत तू ये की है, भी एक पंक्ति उतों ली, एक पंक्ति उतों ली, तू कदे उस कंसैप्ट समझदा? जिस भाव नाल गुरु पातशाह ने कहा, भाई निरा मथा टेकया, निरा रुमाले चढ़ाया, ये सब शरदा दे प्रतीक हैं, करो जम जम के, पर जे असल काम नहीं करोगे उदों तीकर तुहाडी अग्ञानता का अनेरा दूर नहीं होगा। इसलिए पातशाह ने कहा, सतगुर नूं सब को वेखदा, सतगुर नूं सब को वेखदा, संगत बहुत है। शायद मैं कोई अंग्रेजी अरबी फारसी नहीं बोल रहा, मैं तो हाली बहुत कुछ दसना तुहानू गुरबाणी की महत्ता बारे,
पर तुसी साथ नहीं दोगे तो किवें गल बनेगी। एक बारी गूंज पा के बोलो, सतगुर नो सबको वेखदा, सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार, जेता जगत संसार, डिठे मुकत न हो भई, डिठे मुकत न हो भई, मुकत शब्द है संस्कृत का, जिसके अखरी अर्थ ने बंधना तो रहत हो जा। तुसीं आखो भी सानू कोई बंधन नहीं, नहीं सानू बहुत बंधन पे हुए, साडे मन नू विकारां दे बंधन, भैड़े विचारां दे बंधन, ईरखा दे बंधन पे हुए हैं। अज सारा पंथ एक दूजे उत्ते किंतु परंतु करन वल तुरिया होया, खिमा करना। कोई राजनीतिक बंदा बैठा होवे उन्हूं मेरी गल कौड़ी ते लगेगी, पर अज पंथ की जो दशा इन्होंने बनाई है, मेरे अंदरों आवाज़ आउंदी कि बाणी नाल नहीं जुड़े, ये बाणी की विचार नहीं कर रहे, नहीं तो ये दशा गुरसिखां की हो सकती कदाचित नहीं सोच। इन्नियां पार्टियां, मैं एक दफा कथा करदियां गल की, साढ़े को पंथक मसला सी, बड़ी पुरानी गल है, तो सारे इलाके दे पंथ दर्दियां नूं इकट्ठा किया, तो साढ़े बजुर्ग सन ज्ञानी जसवंत सिंह जी, उन्हां नूं बेनती की भी तुसीं इस मीटिंग नूं चलाओ, ध्यान देना। उन्होंने बेनती मान ली, बड़े विद्वान सन खड़े हो गए, कहन लगे देखो भाई मैं आया बाहरों, मैं नौकरी करदा नाभे, पर मैं इत्थे रहना इस करके मैं आ गया, मैं तुहाडे विचों बहुतियां नूं नहीं जानदा, तुसीं अपने आप दसो तुसीं कित्थों कित्थों आए हो। लो जी सिरों लग पे जथेदार फलाणा सिंह, जथेदार फलाणा सिंह, सारिया ने दसिया। ज्ञानी जी पिछों पता की कहिंदे, भाई जथेदार सारे आ गए ने, सेवादार कोई भी नहीं आया। अज एक साडी तरसयोग गल है, असी जथेदार बन गए, असी आगू बन गए, असी MLA बन गए, असी मिनिस्टर ते मंत्री बन गए, पर सेवादार कोई बन लई तैयार नहीं। ये है साडी बाणी की कहती, बाणी सानू कहती है भाई बाणी दी विचार करो, सिर्फ वोटां लई गोलकां लई ना लड़ो, गुरु दी बाणी नाल चलो, फिर गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मना है। हुण मैं थोड़ी जी बाणी दी वनगी भी तुहानूं दसनी चाहवां, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। बाणी तो असीं किवें लाहा लै सकदे, मैं श्री राग विच इक शब्द पढ़िया, वो शब्द तुसीं भी सुनोगे तुसीं कहोगे पढ़िया होया, पर नहीं उहदी विचार कर लो। वो शब्द गुरु नानक पातशाह जी का है, उन्होंने फरमाया अछल छलाई ना छलै, ना कहो कटारा कर सकै। आख्या है माया अछल है, इनू कोई छल नहीं सकता, बड़े बड़े देवी देवते सब रुड़ गए, कोई नहीं कर सके। इनू कोई तलवार नाल, कोई बरछे नाल, किसी शस्त्र नाल कटिया भी नहीं जा सकता। अछल छलाई ना छल है, ना कहो कटारा कर सके, इस लोभी का जियो टलपन है। ये जीव लोभी है, ये जदों माया नहीं वेखदा चमक दमक ये हिल जाता। आख्या ज्यों साहिब राखै त्यों रहै, इस लोभी का जियो टलपन है। भाई माया तो बिना भी गुजारा नहीं, साडे गुरुआं ने माया नूं त्यागिया नहीं, साडे गुरुआं ने तो दस्या है औरत ईमान है, पुत्र निशान है, दौलत गुजरान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान है, दरगाह करनी परवाने, फिर साडा मसला किवें हल होवे। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कृपा की, आख्या जदों तीकर
इस शरीर रूपी दीवे दे अंदर तेल नहीं पवेगा उदों तीकर ये जगेगा नहीं। पर तेल भी पै जाए तो जदों तीकर बट्टी नहीं होगी फिर भी नहीं जगेगी। जे तेल भी होवे दीवा भी होवे बत्ती भी होवे ते उन्हूं जगाउण दा यतन नहीं करोगे फिर भी नहीं जगेगी। देखो महाराज ने बड़े ही तरीके नाल समझाया, आख्या जे तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडी अज्ञानता दा अंधेरा दूर होवे लो मैं तुहानूं तरीका दस देना जो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने दस्सिया। हुण तुसी खुंझो ना, मेरे पिछे सारे वारी संभालियो। गुरु नानक पातशाह ने फरमाया, पोथी पुराण कमाई है, पोथी पुराण कमाई है। पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पोथी साहिब कहा जाता है, तथा जिहड़े धर्म ग्रंथ ने, धर्म ग्रंथ कोई माड़ा नहीं, साड़ी सोच माड़ी, इन्हां नूं पढ़ी जांदे हाँ पाठ करी जांदे। हुण ते मैं इत्थे तक हैरान हो गया, मैं एक दफा बाबा बुढ़ा जी की भीड़ दर्शन करन चला गया, ते जदों मैं नमस्कार करके बाहर आया ते एक सेवादार कहिंदा जी तुहानूं मैनेजर साहब बुला रहे। मैं क्या कोई मेरे नाल काम ते उन्हां नूं की होना, मैं ते मत्था टेकना। कहिंदे नहीं बुला रहे, वो मेरा स्टूडेंट सी, किसी वेले मेरे को पढ़िया सी। चलो उन्होंने आदर किया बिठाया, मैं क्या हुक्म करो जी। कह लगे जी इतने 50 पाठां दे रोज़ भोग पैंदे, 50 श्री अखंड पाठ साहिब का रोज़ भोग पैंदा ते 50 गुरखे जांदे ते साढ़े को कई सालां दी बुक गए, पर इन्हां पाठियां नूं ना तो संस्कृति श्लोक आते हैं ना सवैये आते। मैं क्या फिर मैं की कर सकता। कहने तुसी एक हफ्ता इतने आके रहो इन्होंने पढ़ाओ। मैं क्या इन्हों ने पढ़ नहीं आना, क्योंकि मैनू बड़ा तजर्बा है। पाठी सिंह ड्यूटी ते ला सकता एक, जो उन्होंने कहो ना भी सवैये पढ़ लै, उस को टाइम नहीं है। कहने नहीं जी वह मैं इलाज कर दूँगा, मैं ड्यूटी वो लावगा जोड़ा एक क्लास अटेंड करेगा। खैर मुख की गल, मैं इनू कोई बहुता विस्तार नहीं करता। असी पाठ बड़े कर रहे हैं, पाठ बड़े करा रहे हैं, पर जदों तीकर असी गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या के मुताबिक नहीं चलेंगे उदों तीकर साढ़े अंदरों अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। अज ये जड़ा अन्नी अन्ना खूह ठेले वाली गल बनी हुई है, अन्नी अन्ना खूह ठेले की मतलब है, ये अन्नी लुकाई अन्ने बंदियां दे हथागी जो इन कुछ तके दे जाने। पंजाब दे अंदर कितने स्थान हैं, कितने महापुरख ने गिन सकते हो? मैं गिनती भी की थी, 1200 डेरे ने ते 1200 ही संत ने। पर जे सारे संत रल के बाणी दी विचार वल तुर पैन तोर देन ते इत्थे ते नेरा खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब मैं किसी ते कटाक्ष नहीं कर रहा, असी पोथी नूं मत्था टेक रहे हाँ, असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक रहे हाँ, पर इन्हां दी सिक्ख्या दे मुताबक नहीं चल रहे। ते उर्दू दा विद्वान कहिंदा है, राह कहीं राही कहीं रैबर कहीं। मैं तीन अखर वरते ने, राह राही रैबर, शब्द ही वखरा वखरा काम हो। राह कहीं राही कहीं रैबर कहीं, यूं भी भला रा तय हुआ है कहीं। गुरु कुछ होर कह रहा सी, कर कुछ होर रहे, जिन्हां कमां तो गुरु रोक रहा सी वही कम करी जाने। मारो अपने अंदर चाह तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, प्यारे हो जे तुसी अज्ञानता दा अंधेरा दूर करना है तो फिर की करो, पोथी पुराण कमाई है, पोथी पुराण कमाई है। पहो वट्टी इत तन पाई है, पहो वट्टी इत तन पाई है।
देखो बाणी साडी बोली विच है, जो अखर वरत्या गुरु साहब ने वो वरत्या जिहड़ा सधारण तो सधारण व्यक्ति नूं समझ आ जाए। दीवा भी समझ आउंदा, वटी भी समझ आउंदी है, ते उस वटी विच तेल भी चाहिए। मेरा मतलब ये सारियां गल्लां सानूं समझ आउंदियां ने ते गुरु ने समझाइयां ने। आख्या जे तुसी अपने जीवन दे अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा करनी चाहते हो, ये सवाल पक्का कर लो, बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले। बिना तेल तो दीवा नहीं जल सकता। तुसी आखोगे फिर तेल कितों मिलेगा, किवें मिलेगा? गुरु नानक पातशाह ने फरमाया कि पोथी पुराण कमाई है, पोथी पुराण कमाई है, पोथी पुराण कमाई है, पोथी पुराण कमाई है, पहुवट्टी इत तन पाई है, पहुवट्टी इत तन पाई है, गुरबाणी में भाव भी आता है, भाव भी आता है। भाव का मतलब है डर, भाव का मतलब है प्रेम। स्टेज तो कहा जा रहा सी गुरबाणी दियां लगा मात्रा, गुरबाणी का उच्चारण, गुरबाणी का विश्राम, ये सारिया गल्लां दसण लई समां चाहीदा, तो मैं सेवा कर रहा। तो इत्थे है भाव बट्टी, जिहड़ा गुरु का निर्मल डर है। अज अमृत छक लिया, बड़े माण नाल कहने जी मैं अमृतधारी हाँ। मैं कहना नमस्कार है, जे पुछो अमृत वेले भी उठते हो? वह जी बड़ा औखा काम है, किवें करो? बाणी का पाठ करते हो, वो गुरमुखी नहीं आती सहोजियाँ हुजत करके असी किवें अपना बेड़ा पार कर। गुरु नानक पातशाह ने फरमाया पोथी पुराण कमाई है, पोथी पुराण कमाई है, पहुवट्टी इत तन पाई है, पहुवट्टी इत तन पाई है, गुरु दे परमेश्वर दे निर्मल भाव नूं अपने जीवन विच धारण करो। ये वट्टी बनाओ, इत तन पाई है, ये तन शरीर दीवा है, इहदे विच डर दी वट्टी पाओ। ते सच बूजन आन जलाई है, सच बूजन आन जलाई है, आज जिहड़ा गुरु की संगत विच आउणा, जिहड़ा हौली हौली साडा कटना शुरू हो गया, कोई होर तमाशा होवे वेखो किन्नी पीड़ हुंदी, होर कोई अखाड़ा होवे कितना कट है। ते मैं कमाल मंदा हाँ, संगत नूं वधाई दिंदा हाँ भी तुसी किन्ने प्यार ते किन्नी श्रद्धा नाल बैठे हो, बहुत कट गया कम। कल मैं तरन तारण सी रात, यही गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरता गद्दी पुरब उत्थे मनाया गया। जो मैं संगत की हालत देखी, प्रबंधक बेचारे भी चिंतक हुए, उन्हें जी दिवाली करके आ हो गए। इत्थे चार विआह भी सीगे तुहाडे नगर विच, तुसी विआह भी अटेंड कीते, इत्थे भी आए, कुरबान है, तुहाडी श्रद्धा नूं नमस्कार है। भाई संगत विच आए तो बिना ये दीवा नहीं जगेगा। गुरु नानक पातशाह ने तरीका दस्या, पोथी पुराण कमाई है, पाओ वट्टी इत तन पाई है, सच बूझण आन जलाई है, कर चानण साहेब तो मिले, कर चानण साहेब तो मिले, ए तेल दीवा इउं जले, ए तेल दीवा इउं जले, हाँ। थोड़े दिन होए मैं एक इतिहासक स्थान गुरुद्वारा पंजोखरा साहब चला गया,
मैं परम परिक्रमा करके आया ते जिथे कार सेवा वाले बाबियां दी हुंदी ना टोकरी सेवा वाली उत्थे एक बाबा जी बैठे खड़े हो गए। मैं तो उन्हां दा आदर कीता भी वो सेवा कर रहे हैं, वो मेरे अगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ज्ञानी जी मैं बड़े दिनों का उड़ीक रहा, मैं क्या हुक्म करो? कहिंदे मेरे सवाल का जवाब दिओ, बाणी पढ़नी चाहिए है कि सिमरन करना चाहिए? कैसे कैसे सवाल ने और कि सवालों में सानू रुझाया जा रहा। मैं क्या बाबा जी बाणी भी पढ़नी चाहिए है तो सिमरन भी करना चाहिए। बाणी पढ़ांगे तो पता लगेगा सिमरन किदा करना है, सिमरन क्यों करना है, सिमरन किवें करना है। कहने ठीक, हुण मैनू समझ आ। सिमरन का मतलब है उसकी याद करनी। जदों बाणी पढ़ांगे तो फिर सानू पता लगेगा भी सिमरन क्यों करना है, सिमरन किदा करना है और सिमरन है की। जे गुरु अमरदास जी नूं पुछो वो कहिंदे आओ मैं सिमरन दस दिया तुहानू, तीन पबे याद कर लो, तीन पबे। तुसीं आखोगे वो किहड़े? आख्या भै विच बैसै भै रहै, भै विच कमावै कार। जिथे बैठो परमेश्वर दे डर विच बैठो, जिथे रहो परमेश्वर दे डर विच रहो। जिहड़ी किरत कार कर रहे हो उपजीविका दी करो, पर उहदे भै विच करो। लो तीन पबे याद कर लो। आख्या गुरु अमरदास जी ने गरंटी दे दी, जे तुसी तीन पबियां दे अनुसार चलोगे मैं गरंटी देना, ऐथे सुख वडियाईयां, ऐथे सुख वडियाईयां, जिहड़ा बंदा भै विच बैठेगा जिन्हों ये चेता है कि मेरा वाहगुरु मैनू वेख रहा है वह गलत पासे नहीं जा सकता। जिथे रहो वो पैर विच रहो। जिहड़ी भी किरत तुहानू परमात्मा ने दिती है, कोई दुकानदारी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार खेती कोई काम करो, उहदे पैर विच करो। ते गुरु ग्रंथ साहब जी गरंटी देंदे ने ये तीन पबे याद रखो, ऐथे सुख वडियाईयां, ऐथे सुख वडियाईयां, दरगा मुख द्वार, दरगा मुख द्वार, बोलो जदों बाणी पढ़ांगे, जदों बाणी दी विचार करांगे की समझा। विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है, दो पंक्तियां विचों रह गई। गुरु नानक पातशाह इत तन लागे बाणियां, तन दे नन्ने नूं सियारी। जदों साडे तन विच ये बाणी दे बाण, ये बाणी दी सिख्या लग जाएगी फिर समझ आ जाएगी। इत तन लागे बाणियां, इत तन लागे बाणियां, सुख होवै सेव कमाणियां, सुख होवै सेव कमाणियां, सब दुनिया आवण जानियां, सब दुनिया आवण जानियां, विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगा बैसन पाई है, तां दरगा बैसन पाई है,
कहो नानक बहां लुड़ाई है, कहो नानक बहां लुड़ाई है। जिहड़ा लुड़ाई है शब्द है, पहला साडे समाज विच आम वरत्या जांदा सी, लुड़ियां पौनियां, लुड़ लुड़ दरगाह वाजिया। ये जिहड़ा मस्ती नाल फिर बांध टका के तुरना, इहनू बांध लुड़ाणा कहिंदे। आख्या जे गुरु की सिख्या अनुसार चलांगे, फिर बांह लटका के मस्ती नाल चलांगे, कोई रंचक मात्र किसी का डर नहीं। एक गल होर कह के, क्योंकि मैनू नहीं पता मैनू तुसी किन्ना समा दिता है, ये ठीक है कि शरीरक तौर पर तो मेरी अवस्था जो है तुहाडे सामने है, तो मैं दसना भी नहीं चाहता, पर मैनू गुरु की बख्शिश द्वारा ये चाह है कि आपां गुरु को क्यों नहीं सीखते। गुरु नानक पातशाह सिद्धा ने कहा, असी तो लोगों को कहा भी तुम घर छोड़ो, जंगल जाओ, सिर च सुआह पाओ, पुठे लटको, धूणियाँ तापो, जल धारे करो। बाबे नानक ने आख्या बिल्कुल नहीं, जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेस, नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर कह उपदे। योगी कहन लगे फिर तुसी वक्री गल की समझाओगे? आख्या वो मैं दसा, जे मैनू कोई पूछे भी गुरु ग्रंथ साहब जी के सारे ज्ञान का निचोड़ दसो, मैं कहना दो अखर हैं, दो अखर, एक गुरमुख एक मनमुख। गुरमुख हो है जिदा मूँह गुरु वाल है, मनमुख हो है जिदा मूँह मन वाल है। मनमुख कहना जी मैं तो वह करांगा जो मेरा मन कह, पर गुरमुख कहना जो मेरा गुरु कहना है वो करांगा। तो उसकी पछाण की है, वह भी सिद्ध गोष्ठ विच मैनू समझ आई, क्योंकि एक बारी लुधियाने एक गुरु घर दीआं संगतां ने मंग की थी, भी सानू सिद्ध गोष्ठ की बाणी के अर्थ कराओ। तो मैनू तो कोई देवे सेवा, मैं हर वेले तैयार। तो मैनू विचार करदिआं करदिआं समझ आई कि बाबे नानक ने तो कमाल कर आख्या, गुरमुख बनने वास्ते घर छड्डण की लोड़ नहीं, गुरमुख बनने वास्ते कोई भगवे कपड़े पाउण की लोड़ नहीं, गुरमुख बनने वास्ते कोई वखरा डिजाइन बनाउण की लोड़ नहीं। गुरमुख कौन है? लो ये पंक्तियां पढ़ लो। गुरमुख साचे का पहो पावे, गुरमुख साचे का पहो पावे। गुरमुख की पहली पछाण यह है, वो लोगों तो नहीं डरना, वो सच्चे तो डरना। असी लोगों तो डरते हाँ, लोग की कहेंगे, लोग की कहेंगे, ना ना असी वो काम नहीं करना जिहड़ा सच्चे नूं चंगा लगेगा, पहली गल। फिर ये काम इतना सौखा भी नहीं। गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे, गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे। हुण देखो बाणी नूं पढ़न वास्ते विश्राम ठीक देना बड़ा जरूरी। बाणी अकड़ नहीं है, अकड़ है साडा मन। अकड़ किहनूं कहिंदे ने? जिहड़ी लकड़ ना कड़ी होवे ना उहनूं अकड़ कहिंदे। जिवें लकड़ बिंगी टेढ़ी होवे, तुसीं आखदे जी अकड़ है, फिर कारीगर कोल लै जाओ, फिर उह तेसे नाल खुंगियां ला दिंदा है, रंदा फेर के उहनूं कट दिंदा, सुणी बणदी। गुरमुख बनने वास्ते बाणी की विचार करनी, तो इस अकड़ मन कड़ना है। ये जिहड़ा नितनेम करना है, जिहड़ा बाणी पढ़नी है विचार सहज, इस अकड़ मन कड़न वास्ते करना। फिर ध्यान दो, गुरमुख साचे का पहो पावे, गुरमुख साचे का पहो पावे। गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे, गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावे। जिहड़ा गुरमुख बनना चाहे वो बाणी दी विचार करके अपने अकड़ मन नू कड़े सवारे। ये यकदम नहीं सवरना,
मेहनत करनी पैंदी। मन लोचे बुरियाइयां, गुर शब्दी है मन होड़ी है। फिर तीजी गल जो महाराज ने कही, जेड़ा ये दो काम करेगा, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, चाहे तुसी जपजी साहिब पढ़ो, सुखमनी साहिब पढ़ो, नितनेम करो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का सहज पाठ पढ़ो, ये कादे लई है? ये निर्मल हरी दे गुण गायन कर, किधरे होर कोई गल ही नहीं, सवाए परमात्मा की सिर्फ सलाह तो होर कोई गल नहीं। ते जेड़ा गुरमुख निर्मल हरी दे गुण गाएगा, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, पद का मतलब होंगे पदवी अवस्था स्टेज, परम पद का मतलब उच्ची अवस्था। ज्यों ज्यों गुरु के भैव में चलेगा, ज्यों ज्यों बाणी नाल जुड़ेगा, त्यों त्यों उसनू परम पदवी प्राप्त होगी, उसकी अवस्था उच्ची हो जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साथ समावे, नानक गुरमुख साथ समावे, मेरे नानक सतगुरु जी फरमाते ने, जेड़ा इस तरीके नाल गुरु वाल मुँह करके तुरेगा, वो एक दिन सच्चे विच समा जाएगा। बाणी पढ़ी जा रही सी, जिन्हां ना विसरे नाम से कन्हैया, भेद न जाणो मूल साईं ते, वो परमेश्वर का रूप बन जाएगा। तो सत्संग अज समस्यावां ते बहुत साढ़े सामने ने, पर इन्हां सारियां का हल इको एक है, वो है गुरबाणी नाल जुड़ना। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के सहज पाठ करो। हाँ, जो मैं सेवा कर सकदा, मेरा मोबाइल नंबर है 92150 3203। तुहानू गुरबाणी का पाठ करदिआं गुरबाणी के अर्थां संबंधी लगा मात्रा संबंधी कोई जानकारी चाहीदी होवे, मैं हर वेले तुहाडी सेवा विच हाजर। चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते रोज़ 10 to 10:30 सहज पाठ होंदा है, जे टाइम कढ के सुन सको। मैं निश्चय नाल कह सकदा कि तुहानू पाठ करना आ जाएगा। तुसी पाठ करन लग पवोगे, फिर हुण गुरबाणी दी व्याख्या भी नाल ही 10 to 11 तक हुंदी। एक यतन है, और उस यतन तो मैनू खुशी भी है कि बेअंत संगतां जुड़ रहियां हन। मेरियां धीआं भैणां मातावां वीर बजुर्ग जुड़ रहे ने, भाई जिहड़े हाली तक नहीं जुड़े वो जुड़ो। इस तो वड्डा परोपकार गुरु साहब नहीं सी कर सकते। एक गल आखरी कह के मैं फतेह बुला दें, जदों भाई साहब भाई गुरदास जी गुरबाणी का सिखी का प्रचार करते हुए कांशी जी गए, उन्हां दी उत्थे धर्मशाल है, मैं भी उत्थे 3-4 दर्शन करन गया, कथा करन गया, क्योंकि मैं इतिहास भी पढ़ता हाँ। अज साढ़े विच इतिहास पढ़ने की रुचि घट गई। मैं पढ़िया कि भाई साहब जदों उत्थे कथा करते सन, उन्हां दी कथनी, उन्हां दी विद्वता, उन्हां दा गुरसिखी प्यार, उहदा ते कोई पैमाना नहीं, उन्हां वर्गा कौन हो सकदा। कहिंदे ने कांशी दा राजा भी सिख बन गया, ध्यान नाल सुणिओ, जदों सिख बन गया ते कांशी दे पंडितां नूं चिंता हो गई। तुसीं आखोगे चिंता कहदी हो, अज भी 50 हरियाणे दे, मैं कले कले दा पिंड नहीं, अज उन्हां नूं सिक्खी विच प्रवेश करा के आया दा मर्दों साहब, वो लंबी गाथा हो जाएगी, जो मैं कर रहा इनू सुन लो। पंडितां नूं फिक्र हो गया, भई ये पंजाब तो सिख आया,
इहदा प्रचार विचार सुन के राजा भी सिख बन गए। पर उन्हां नूं अपनी विद्या ते बड़ा माण सी। राजे कोल गए, राजन असीं इह सिख नाल इह प्रचारक नाल कुछ विचार वटांदरा करना चाहुंदे हां, कुछ प्रश्न उत्तर करने चाहुंदे हां। राजे ने भाई साहब नूं पुछया, भाई साहब कहिंदे मैं हाजिर हाँ, मेरी तां ड्यूटी है। हो हुण देखो ना, मैं चल के आया हरियाणे विचों, मेरी ड्यूटी है, मैं किवें इस तों भज सकदा। भाई साहब कहिंदे जदों उन्हां विद्वानां दा विचार बने मैं हाजिर हाँ। लो जी, समां निश्चित हो गया, जगह निश्चित हो गई, राजा भी आया, पंडित भी आए ते पब्लिक भी आई, भाई साहब भी पहुँच गए। बस एक मिनट की गल है, भाई साहब ने बड़ी निम्रता नाल किया, विद्वान जनों पुछो की पूछना चाहते, की सवाल है तुहाडा। आंदे जी साडा सवाल यह है, चार वेद, 18 पुराण, खट शास्त्र, 9 उपनिषद, 27 सिमरतियां अगे मौजूद ने, लोगों को ज्ञान देने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की लोड़ क्यों पई। मैं कहना तुहानू भी कोई पूछ सकता है, ये सवाल का जवाब तुहानू पता होना चाहिए। भाई साहब कहन लगे, सुनो पंडित जनों, ये जितने ग्रंथां दे तुसीं नाम लए ने इन्हां विच भी ज्ञान है, पर इन्हां दा ज्ञान खूह दे पानी वर्गा है। कहिंदे की मतलब, खूह दे पानी दा की मतलब? कहिंदे जिस तरह खेत नूं सींण वास्ते खूह लाया जांदा, पर खूह उन्हां खेतां नूं सींण सकदा जिहड़े खेत खूह दे नेड़े होण। एक खूह सारे पिंड दीआं खेतीआं नूं नहीं सींण सकदा। ठीक है, कहन लगे इन्हों का ज्ञान है संस्कृत के श्लोकों में, तो संस्कृत तुम अपने तो बिना किसी को पढ़ नहीं जाते। हूँ भी दस दो किन्ने बैठे हो, किन्ने अगन आती है, कोई बहुत थोड़े जो विद्वान हो सकता कोई कदा कह जी मैनू आती है, पर नहीं, वो पढ़ने नहीं देते। जेड़ा ग्रंथ किसी भाषा में हो भाषा ही नहीं तुम्हें पढ़नी आती तो तुम ज्ञान कितों लवोगे। फिर वो समा भी सी जदों जे कोई शूद्र सुन लवे तो उसके कान च सिक्का ढाल के पा दो, जे कोई पढ़ लवे वेद मंत्र तो उसकी जबान कट दो। क्यों जी, किसी का जी करता जबान कटाउण? किसी का जी करता कान च सिक्का छड्डो पर योजे ज्ञान तू भी चंगे। आख्या बाबे नानक की बाणी, मीह का पानी है जिमें बरखा होंदी है, उच्चे नीवें नेड़े दूर सारे खेतों ने हल करती है। पर साड़ी बदकिस्मती, असी ये कह के जी बाणी औखी, नहीं नहीं, जेड़ा काम नहीं करोगे औखा हो जाएगा, जेड़ा करोगे वो सौखा हो जाएगा। बाणी पढ़ो। भाई साहब ने पंडितां दी बोलती बंद कर दी, वो बोल नहीं सके क्योंकि उनकी मनापली है, वो संस्कृत अपने तो बिना किसी दूजे को पढ़ नहीं देते। ते साडा बाबा कहना, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो। इत कोई पाबंदी नहीं है, खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश क्यों वरना कहो संज, पर शर्त है गुरमुख नाम जपे उधर है सो कल में कट कट नानक। सो खिमा करना, तुहाडे वलों ते बड़ा प्यार है। मेरी शरीरक अवस्था है कि मैं सवेरे तरन तारण साहब तो चलिया तो अंबाले मरदो साहब पहुँचा, उत्थे क्योंकि बड़ा बड़ा समागम, मैं पता नहीं सी भी इन्ने हरियाणे के जाट सिखी तो प्रेरित होके गुरु के सिख सजे, उन्होंने दस्तारा सजाइया, उन्होंने शामिल किया, तो फिर उतों चल के तुहाडी सेवा में हाजिर होया अवस्था के मुताबिक। पर मैं फिर भी गुरु का लख शुकर करदा, तो तुहानू बेनती करदा, भाई गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी आप पढ़ो, अपने बच्चे बच्चियां नू पढ़ाओ। अंग्रेजी भी पढ़नी माड़ी नहीं, जिन्हिया भाषा वध तो वध आउंदियां होण वो जरूरी ने, पर जे अपने गुरु की गल नहीं पढ़ांगे फिर तो अज्ञानता का अनेरा वधेगा ही वधेगा। जे इनू दूर करना चाहते हो तो फिर गुरबाणी नाल जुड़ो, तो फिर ये तुहाडा रोज पढ़िया भी सफल होगा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी।
एक गल मैं किधरे सुना बैठा, मैं चौथी जमात पढ़ता सी खालसा स्कूल बाड़े शहर, तो मैं जो अमृतपान किया चौथी जमात किया उदों पंज प्यारियां विच श्रीमान मास्टर तारा सिंह जी शामिल होए सन। अज किसी लीडर नूं कहो भी अमृत छकाने वेले तैयार हो गया, जपजी साहब नहीं आता है ऊ साडे लीडर ने, इन्हां नूं थोड़ा जिहा हिलाओ हलूणा दिओ, इन्हां नूं जगाओ, जे तुसीं बाणी नाल नहीं जुड़े तुसीं साडा की सवाल हो गया, तदों ही सुधार होगा। इस तों बिना कोई तरीका नहीं, जे पोथी पुराण कमाईए पाओ बट्टी इतन पाइए, सच बूझण आण जलाइए, कर चानण साहिब तो मिले ए तेल दीवा इं जने, भुला चुकां दी खिमा बख्शन, गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।